हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन के बारे में। तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है कि अपने आप इंड्यूस हो जाना। इंड्यूस क्या होगा? करंट जो होता है अपने आप इंड्यूस हो जाता है, उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने आपको दिखाया हुआ एक सर्किट है। सर्किट में एक बैटरी है, साथ में एक स्विच लगा रखा है और इसमें से बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है जो कि इस कॉइल से होते हुए जा रहा है। अब जो ये कॉइल है, इस कॉइल का मतलब होता है चोक कॉइल। चोक कॉइल होती है एक सोलेनोइड, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और जैसे ही इसमें से करंट जाएगा तो यहाँ से जैसे करंट बनना शुरू होगा तो चेंज होगा, करंट का चेंज होगा। करंट के चेंज की वजह से एक ईएमएफ डेवलप होगा और ईएमएफ डेवलप होने के साथ साथ एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम लोग पिछली वीडियो में आपको बताया था। एडी करंट बनने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है जो कि उल्टी डायरेक्शन में होता है, जो इसको अपोज करेगा। तो इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है और इस वजह से क्या होता है, थोड़ा सा करंट में भी हमें करंट जो है वो कम मिलता है। करंट की अगर हम एक मीटर लगा देंगे तो उसमें जो करंट आएगी, वैल्यू आएगी, वो थोड़ी सी कम आएगी। वो क्यों होता है? वो इसी इंड्यूस करंट की वजह से होता है। तो ये सेल्फ इंडक्शन तब होता है जब इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उतना ही ज़्यादा इसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो यहाँ से हम एक बात देखते हैं, वो है फाई बी इज इक्वल्स टू एल आई, यानी कि फाई जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है आई के, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे प्रोपोर्शनल होते हैं और जब हम इन दूसरे को इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं एल। एल यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो कांस्टेंट है, इसकी यूनिट अगर हम निकालें तो यूनिट पिछले साल सीबीएसई बोर्ड में इसकी यूनिट भी पूछी थी। तो इसकी यूनिट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर सेल्फ इंडक्टेंस क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस से कुछ नहीं है, कांस्टेंट होता है जो कि फाई और आई के जब हम दोनों को इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पे इसके अगर हम फॉर्मूले की बात करें, डेरिवेशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी है। अब क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी में हम फाई की जगह एल आई रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाई किसके इक्वल होता है, एल आई के इक्वल होता है। तो हमने डी फाई बाई डी टी में पुट कर दिया एल आई की वैल्यू, तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी ऑफ एल आई। अब एल जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, तो एल कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद जो है जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो हम आई का करेंगे, तो डी आई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल्स टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी फॉर्मूला आ गया, जो कि यहाँ से आया है। ई इज इक्वल्स टू माइनस के डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू आई है वो आई है एल इंटू डी आई बाई डी टी। तो हमने ये जो वैल्यू थी वो इसे पुट कर दिया और हमारे पास आया ई इज इक्वल्स टू माइनस के एल डी आई बाई डी टी। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट होती है वो होती है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ये कैसी आई है? अगर यहाँ पे आप देखें तो हम एल को किसके इक्वल, अगर हम यहाँ पे डी टी हम यहाँ पे ले गए ई इंटू डी टी डिवाइड बाई डी आई, तो जो ई होता है वो होता है वोल्ट और डी टी यानी कि सेकंड, और डिवाइडेड बाय हमने आई, जो आई की जो यूनिट होती है वो थी एम्पियर। तो ये हमारे पास आ गया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। पर इसकी जो एस यूनिट होती है वो हेनरी होती है। अगर आपसे बोर्ड ने पूछा जाए इसकी यूनिट लिखिए तो आप हेनरी लिख देंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हेनरी। आपको याद रखना है कि इसकी यूनिट होती है वो हेनरी होती है।